हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, सबको प्यार भरा वेलकम। बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी, जो कि अनबीटेबल है एंड अनस्टॉपेबल है आपके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, द लव, द रिस्पेक्ट जो आप देते हैं। बिल्कुल जी, मजा ही आ जाता है उसे देख करके। कोई भी शख्स आप लोगों का दीवाना हो जाए जब वो इतने प्यारे प्यारे, इतने बढ़िया स्टूडेंट्स जो शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जो 15-20 मिनट पहले ही आकर के प्लेटफॉर्म पे इंतजार करने लग जाते हैं, आप लोग यकीन मानेंगे इस बात का। बहुत लोगों के साथ जो है मैं चैट फॉलो करता हूं और देखता रहता हूं कि बच्चा लोग किस तरह की बातें करते हैं। आज मुझे किसी ने कहा कि सर आप राजा बेटा बोलते हैं तो फिर रानी बेटी भी जरूर बोला कीजिए। एग्रीड जी, बिल्कुल, और मैंने उसी समय ये वादा कर दिया था कि मैं ये जरूर बोलूंगा। बहुत लोगों ने आज चैट करी है मेरे साथ, करिश्मा थी, दो करिश्मा थी भाई, उन्होंने स्पेसिफाई करा कि सर मैं करिश्मा अलग हूं, ये करिश्मा अलग है। ग्रेट। चलिए, कौन कौन है जी अभी हमारे साथ? डॉक्टर दीपांशु है, खुशी है, हिराल है, शिवांगी, नगमा, बाबू तुलसी, खनीज फातिमा, किशन पांडे, रजिया, सुरभि, ग्रेट, लॉट मैनी रेगुलर व्यूअर्स जो हैं, जो शिद्दत के साथ जुड़े हैं मेरे साथ। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों से मिलकर के। रोज सारा दिन भर मैं इंतजार करता हूं कि भाई कब 4 बजेंगे और कब आमना सामना होगा आप लोगों के साथ। एंड द सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो। आप में बहुत लोगों ने लिखा है कि सर हम बड़े दिल से आपका इंतजार करने लग जाते हैं। नमस्कार जी, वंस अगेन नमस्कार, बहुत बहुत प्यार भरा। डॉली कैसी हैं आप? ग्रेट, इतने सारे हार्ट्स। उज्जवल साहब जी कैसे हैं? अदिति चौहान, कृष्णा, प्रियांशी, मोहम्मद हुसैन, ग्रेट जी, नाइस टू सी यू ऑल दी डॉक्टर्स, मेरे भारत का भविष्य। चलिए जी, 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और सबको एक बार फिर तहे दिल से सलाम और स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हैं, सो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड परमात्मा से, ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी मेहनत सफल हो। इस एक घंटे में आप बहुत सारी चीजें सीख करके जाएं और वो आपके काम आए। नीट का एग्जाम जब आप देने बैठे तो आप मुझे याद जरूर करें कि सर ने हमें ये चीजें पढ़ाई थी और कहा था कि एज इट इज एग्जाम में आती हैं, राइट जी। चलिए फिर से एक बार, चेतन साहब नमस्कार, आपका नाम भी लिया, बहुत लोगों का नाम लेंगे आप कबेरी जी, जब आपके साथ जुड़े हैं सिमरन तो ऑफ कोर्स आपका नाम तो लेते रहेंगे। अनीशा जी, गोविंद पाल जी, मंजुषा, राइट बेटा, कुछ क्रेडेंशियल्स हैं मेरे, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी है और थोड़े बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है और कुछ थोड़े बहुत डॉक्टर्स भी बन चुके हैं आज, अपनी मेहनत से बने हैं, गाइडेंस हमारी रही नो डाउट, लेकिन बच्चे की अपनी मेहनत सबसे पहले जरूरी होती है, पेरेंट्स का योगदान है उसमें। सिर्फ एक टीचर के पढ़ाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, आपके पेरेंट्स कितनी कड़ी तपस्या करते हैं आपके लिए, आप उसे भी सोच करके देखिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी खुद की अपनी मेहनत, दिन रात जलाना पड़ता है शायद खुद को, मैं हमेशा कहता हूं ये एक कड़ी तपस्या है, इतनी आसानी से इसका फल प्राप्त नहीं होता बेटा। सही शिक्षक आपको मिल गए, मान लिया, सही किताबें मिल गई, मान लिया, घर में माहौल मिल गया, मान लिया, लेकिन अगर खुद ही पढ़ाई नहीं करी तो फिर कैसे हो सकता है बेटा। हमने आपको नाव दे दी, हमने तैरना सिखा दिया, हमने सब कुछ दे दिया भैया, लेकिन फिर भी बढ़ना तो आगे पड़ेगा ना आपको, राइट जी। सो आपकी मेहनत सबसे पहले है मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटी ऑल्सो। आप स्वयं मेहनत करेंगे दिल लगा करके तो इंशाल्लाह हर हाल में सफलता प्राप्त होगी, राइट जी। तो सबसे पहले आपके सबके पेरेंट्स को तहे दिल से मेरी तरफ से नमस्कार है, बहुत बहुत, और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके बच्चों ने यह निर्णय लिया है कि आपका नाम रोशन करेंगे, राइट जी। तो आप सबके पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से नमस्कार जरूर कहिएगा, उन्हें तहे दिल से कहिएगा, राइट बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रेट। वेल, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज चैप्टर चल रहा है हमारा और लेक्चर नंबर 7 है आज। आज ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। बहुत सारी टर्म्स भी आपको बताऊंगा मैं, एनोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया क्या है, हाइपरकैपनिया क्या है, हाइपोकैपनिया क्या है, स्नीजिंग क्यों होता है, कफिंग क्यों होता है, एस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस, बहुत सारी डिजीजेस डिसऑर्डर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट आजम साहब। चलिए, 300 से ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, दैट्स रियली नाइस। टेलीग्राम ऐप आपके सेलफोन में होना उतना ही जरूरी है जितना कि आप बाकी एप्स रखते हैं, जैसे आपकी फोटोग्राफ्स वाली गैलरी है ना, वैसे ही टेलीग्राम ऐप होना चाहिए और इसके जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाइए जल्दी से, वहां का खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स
लिसनर्स हैं और तहे दिल से आपके साथ बड़े अच्छे से हम आपको सारे टॉपिक्स उसमें कवर कराएंगे। आज इवोल्यूशन को लेकर के लेक्चर शुरू होने वाला है शाम को। आप में से जो लोग प्लस पे हैं ऑलरेडी, शाम को क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा 8 से 9 बजे। राइट जी, प्लस का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको वहां पे मिलेंगे। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना चाहिए। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पे आप अगर नीट लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट उसमें मिलेगा। राइट जी, चलिए आप देखते हैं आज मेरे पास क्या है आपके लिए। ये बड़ा प्यारे से कलर्स दिखाए गए हैं, ग्रीन दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। एक कहावत है ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उसी चीज को यहां दर्शाया गया है। देखते हैं जरा, पढ़ के देखते हैं जी क्या लिखा है। राइट, इफ द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यदि आपको सामने कुछ दूसरी तरफ ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है और अपने में कमियां नजर आ रही हैं, तो जरा देखिए, विचार करना जरूरी है। स्टॉप कंपेयरिंग कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वॉटरिंग द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन। सिंपल बात है, कंपेयर करना, कंप्लेन्स करना, ये सब छोड़िए और उस रास्ते पे चल पड़िए कि आपके लिए भी सब कुछ ग्रीन हो जाए। आप स्वयं मेहनत करना शुरू कीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बढ़िया बात है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मजा तो उस चीज में है जहां, जिस महफिल में आप जाएं तो वहां पे लोग कहें कि भाई वो देखिए इसने नीट क्लियर करा है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक जबरदस्त सीट ली है ये, और अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे करा है, मजा उस चीज में है। चलिए जी मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डॉली, गिरीश, मेनाती, सिमरन, दीपशिखा, ऋषि, मोहम्मद हुसैन, योजक, नमस्कार जी, दिव्या जी, प्रताप, निखिल, खुशी, गिरीश, दिया, ग्रेट। चलिए आप सब लोगों की तरफ से गुड विशेस मिल चुकी हैं और आपने सिग्नल दे दिया कि सर लेक्चर स्टार्ट कीजिए, तो लेक्चर शुरू करते हैं आज का। क्या है मेरे पास स्क्रीन पे सामने, देखिए। नाउ एक बात ध्यान से सुनिए, आप सब मेडिसिन प्रोफेशन में जाने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आपको डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, इन चीजों का बेसिक ज्ञान अभी से होना बहुत जरूरी है। राइट, आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस भी हम लाने वाले हैं आगे कि लिव द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर, द ड्रीम लाइफ, उस तरह की जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं, उसमें आपको बताएंगे क्या क्या मुश्किलें भी आती हैं। मुश्किलें सिर्फ अभी ही नहीं है मेरे दोस्त, अभी आगे पहला साल देखिए एमबीबीएस का, उसके अपने मजे भी हैं कॉलेज में और उसकी अपनी मुश्किलें भी हैं, दोनों चीजें हैं। घर से दूर जाना पड़ सकता है, आप में कुछ लोग अभी भी घर से दूर होंगे। राइट, सो घर से दूर जब आप रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, बहुत बार इमोशनल भी होते हैं, मन निराश होता है, खाना अच्छा नहीं मिलता, सो बहुत सारी बातें हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए मेरे बेटा अब शुरू करने जा रहा हूं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, हमने एक बात पढ़ी थी दैट सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन योर एल्वियोलाई। सर्फेक्टेंट क्या है, डाइपाल्मिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। राइट, सो ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, यदि एल्वियोलाई में सफिशियंट अमाउंट में सर्फेक्टेंट नहीं है तो एल्वियोलाई के कोलैप्स करने की संभावना बनी रहती है। न्यूबॉर्न बेबीज में, पर्टिकुलरली प्री मेच्योर बेबीज में, जो बच्चे समय से पहले मतलब 9 मंथ्स, पूरा जेस्टेशनल एज पूरी होने से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके केस में ये समस्या रहती है। Their lungs are not properly developed. Why? Because of lack of pulmonary surfactant, particularly premature newborns में. Surfactant याद है ना? Lecithin, dipalmitoyl phosphatidyl choline, या सादी भाषा में phosphatidyl choline. So हम याद रखेंगे कि respiratory distress syndrome. मैं पढ़ देता हूँ. It is a breathing disorder. It's a breathing disorder of premature newborns in which the alveoli do not remain open due to lack of surfactant, जिसके कारण alveoli का collapse हो सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा बच्चा दिखाया गया, आप देख सकते हैं, newborn baby, right? So ऐसे बच्चों को breathing difficulties रहती हैं। Clear है बेटा जी? चलिए second disorder पे चल रहा हूँ। Now a very dangerous gas. कार्बन मोनोऑक्साइड हर समय हर कहीं बन रही है। जहां जिस रूम में आप इस समय बैठे हैं वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होगी। हर कमरा हर जगह वेंटिलेटेड है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिसिपेट हो रही है, निकल रही है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट,
गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, कोयला जब अच्छे से नहीं जल पाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब भी प्रोड्यूस हो रही है। इवन आपके कमरे में एक बल्ब जल रहा है, गर्मी है उसके चारों तरफ, वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टेस्टलेस ओडरलेस गैस है, ना इसकी कोई स्मेल होती है ना इसका कोई स्वाद होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आप गलती से भी इनहेल कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में ही बहुत खतरनाक होती है। द मोमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंटर्स इनटू योर एल्वियोलाई, इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हेमोग्लोबिन के हेम के साथ जुड़ जाती है और इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बात हमने पढ़ी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो है वो 200 से 250 गुना ज्यादा है। हेमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है तो एक स्टेबल कंपाउंड बना देती है, दैट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है बेटा, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है तो चेरी रेड कलर हो जाता है और विद इन मिनट्स डेथ हो जाती है। पेशेंट को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि हुआ क्या। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस गैस। आप एक बात और ध्यान रखिए, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, मान लीजिए कार में है या किसी भी व्हीकल में है जो बंद है, शीशे बंद हैं, और खड़ी गाड़ी में आप एसी चला रहे हैं, सो ध्यान रखिएगा हल्का सा शीशा खुला रखना जरूर चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इवन जब एयर कंडीशनर चल रहा है तब भी बन रही है। और अगर गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप किसी वजह से ब्लॉक्ड है, मान लीजिए कहीं पानी बहुत ज्यादा आया हुआ है, सड़क पे पानी भरा है, आपने गाड़ी वहीं पे पार्क करी हुई है और आप चला रहे हैं एसी और गाड़ी में बैठे म्यूजिक सुन रहे हैं, दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। अगर गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप ब्लॉक्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी कार के अंदर इतना बिल्डअप हो जाएगी कि यदि आपने सांस के साथ वो इनहेल कर ली तो आप बेहोश हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हर साल कई केसेस ऐसे कई जगहों पर होते हैं जहां कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण इंस्टेंट डेथ हो जाती है। राइट आजम साहब, नाउ एक बात और सुनिए, आजकल अक्सर घरों में एक प्रचलन है, गैस गीजर्स हैं, इलेक्ट्रिक गीजर तो होते ही हैं, बिजली से पानी जो गर्म करते हैं, गैस एलपीजी सिलेंडर्स के साथ चलने वाले गीजर्स जो हैं, वो गैस गीजर्स आपके बाथरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। द रीजन इज आप बाथरूम में जब नहा रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, वो जब बर्नर चल रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है और वेंटिलेशन उस समय कोई है नहीं, तो आप स्टीम भी बन रही है क्योंकि आप गर्म पानी के साथ नहा रहे हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करते जाएंगे और बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, इंसान की सफोकेशन के कारण डेथ भी हो सकती है। क्लियर है जी? राइट, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस पॉइजनस गैस। पढ़ता हूं मैं इसके बारे में राजा बेटा, इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस, मतलब कोई स्मेल नहीं है, गैस विच इज फाउंड इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, गैस फर्नेसेस, स्पेस हीटर्स एंड इन द टोबैको स्मोक ऑल्सो। तंबाकू जब जलता है तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सिगरेट स्मोक जो कर रहे हैं, हुक्का जो पीते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तब भी आपके लंग्स में पहुंच रही है। राइट, हुक्का पीना ज्यादा खतरनाक हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग के कंपैरिजन में, अभी हम पढ़ेंगे ये बात आगे। इट बाइंड्स टू द हेम ग्रुप ऑफ द हेमोग्लोबिन, जैसे कि ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, पर इसकी एफिनिटी कई गुना ज्यादा है, एक स्टेबल कंपाउंड बना रही है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। राइट मेरे राजा बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में से कितने ज्यादा फ्यूम्स निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कितनी हार्मफुल गैसेस हैं, और अगर गलती से ये इनहेल ज्यादा समय तक हो जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है जी, उज्जवल साहब समझ आ रहा है, करिश्मा शर्मा, चिंटू, दीपशिखा, खुशी, हिराल, सिमरन, एसी रूम में भी बन सकता है तो विंडो, हां जी बिल्कुल, एयर कंडीशनर भी जब चल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड उस समय भी बन रही है, बिल्कुल जी डॉली आपने सही कहा है। राइट अभिषेक जी गलत देख रहे हैं, चिलम फूकेंगे, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, नहीं मजाक वाली बात नहीं हो रही, हम बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सीरियस चीज को ना सीरियस मूड में पढ़ना चाहिए तभी वो एनर्जी आप तक पहुंचती है। राइट जी, नातिक क्लियर है,
राइट वेंटिलेशन का मतलब क्या है बेटा? वेंटिलेशन का मतलब है कि हवा जो है वो पास कर रही है, क्रॉस सर्कुलेशन हो रहा है. कमरा बिल्कुल बंद है तो हम कहेंगे वेंटिलेटेड नहीं है. अगर कोई रोशनदान या खिड़की खुली है तो हम कहेंगे वेंटिलेशन हो रहा है, हवा का आवागमन हो रहा है वहां से. राइट बेटा जी, आप स्लाइड पे ये चीज देख पा रहे हैं. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात हो रही है एट अ कंसेंट्रेशन एज स्मॉल एज 0.1%. यदि 0.1% भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड विल कंबाइन विद हाफ द अवेलेबल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स और ये रिड्यूस कर देगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. दिस इज आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन द एंट्रेंस एग्जाम्स नीट में, एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने करा क्या है. रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और इट कैन कॉज द लिप्स एंड द ओरल म्यूकोसा टू अपियर चेरी रेड. ये टिपिकल पहचान होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जिस पेशेंट में हो जाती है तो उसके होंठ जो है चेरी रेड कलर के हो जाते हैं. क्या उस पेशेंट को बचाया जा सकता है? हाँ जी सिमरन, इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. क्या उस पेशेंट, देखिए ये पहचान दिख पा रही है, पूरे शरीर में इस तरह से चेरी रेड कलर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है और वो डिसोसिएट नहीं हो रहा. पेशेंट को तभी बचाया जा सकता है यदि हम उसे ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस समय दे दें. ज्यादा ऑक्सीजन जब उसके शरीर में पहुंचेगी तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को टूटने पे मजबूर कर देगी और तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूट पाएगा और पेशेंट की जान शायद बचाई जा सके. राइट जी, क्लियर हो रहा है आपको इतना? बिल्कुल यस डॉली. बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट को बचा पाना. खुशी ने सही कहा है, प्योर ऑक्सीजन चेरी रेड कलर से मतलब है. गोविंद पांडे, चेरी इज अ फ्रूट जो कि रेड कलर का है. चेरी रेड, यस डेथ बिल्कुल पॉसिबल है. खुशबू बिल्कुल, इसमें तो विद इन मिनट्स डेथ हो जाती है इंसान की. राइट यस, इट इज पेनफुल. क्लियर है जी? राइट यस, किशन बचाया जा सकता है यदि आप प्योर ऑक्सीजन दें. तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ये बात. लाइक्स, लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, 350 से ज्यादा लोग देख रहे हैं. आपसे मेरी गुजारिश है, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज शेयर इट, बिकॉज ये एक जनरल बात है. हर घर में गैस गीजर्स इस्तेमाल होते हैं. आपने अक्सर सुना होगा कई बार गांव देहात में लोग बंद कमरे में सर्दियों में कोयले की अंगीठी जला लेते हैं गर्मी लेने के लिए, है ना. कोयले की अंगीठी जला के आपने कमरे में दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए और आप सो गए और दुर्घटना यह होगी कि सुबह शायद परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा ना बचे क्योंकि कोयले की अंगीठी जो जलाई गई है कमरे में वहां कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. सांस के जरिए वो आपके अंदर जा रही है और आपको पता ही नहीं चलेगा, डेथ हो जाएगी. राइट जी, तो ये बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है. कोयले की अंगीठी जो है वो बंद कमरे में नहीं जलानी. इवन ये भी कहा जाता है अगर आप सर्दियों के दिनों में रूम हीटर्स लगा रहे हैं रूम में, राइट, गर्मी लेने के लिए, सो आप पानी से भरी हुई एक बाल्टी या पानी का बड़ा कटोरा जरूर रखिए क्योंकि वो हीटर जो कमरे में चल रहा है वो आपके कमरे का मॉइस्चर नमी खत्म कर रहा है. तो जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं यदि उसमें नमी नहीं होगी, ड्राई एयर होगी, तो भी समस्या हो जाएगी. सो इसलिए आपको पानी से भरा कटोरा रखना है रूम में ताकि हीट के कारण जो हवा का मॉइस्चर खत्म हो रहा है लगातार एयर में मॉइस्चर आता रहे. राइट मेरे बेटा जी, ठीक है जी, बिल्कुल. दीपांशु, इज इट क्लियर? वंशिका कह रही म्यूकोसा क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथीलियम अलोंग विद द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू इज म्यूकस मेम्ब्रेन. अनिता जी, कनीज, प्रशांत, खुशी, उत्कर्ष, शिवम, सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड. चलिए वीडियो लाइक कीजिए जल्दी से, थम्स अप आने चाहिए आपके, जबरदस्त, ग्रेट एनर्जी बनी रहनी चाहिए पूरी क्लास में. विदाउट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यदि सही समय पे इलाज नहीं किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज फेटल, मृत्युकारक, इंसान मर सकता है उससे. इट इज पॉसिबल टू रेस्क्यू अ विक्टिम, आप बचा सकते हैं पेशेंट को. कैसे? बाय एडमिनिस्ट्रिंग प्योर ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे. उसे अगर जल्दी ये फैसिलिटी मिल जाए, हॉस्पिटल तक आप पहुंचा दें या एम्बुलेंस तक आप ले गए और वहां पे ये सुविधा उपलब्ध है तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं. राइट मेरे बेटा, क्रिस्टल क्लियर है मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स?
गुड, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए जी राजा बेटा, आगे बढ़ता हूं, एक टर्म बताता हूं आपको, हाइपोक्सिया। आप देख पा रहे हैं यहां पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाया है हमने। हाइपोक्सिया से मतलब क्या है? हाइपोक्सिया से मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। एनोक्सिया होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। देखो जी, सो इट इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया कई तरह का हो सकता है। देयर कैन बी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कि भाई टिश्यू के लेवल पे ही कोई समस्या है। देयर कैन बी इशेमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। चार तरह का हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया शब्द का मतलब फॉल इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए आपके लंग्स तक ही कम ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, आप बहुत ऊंचाई पे चले गए, है ना, हाई ऑल्टीट्यूड पे। आप जानते हैं जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने लगता है। तो यदि आपके एल्वियोलाई तक ही कम पहुंची है ऑक्सीजन, ये हो जाता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कि ऑक्सीजन कम है। एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिया का क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल्स की कमी होना, आयरन की या हेमोग्लोबिन की कमी होना। तो यदि पेशेंट एनीमिक है, बहुत कम हो गए हैं आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन काउंट काफी कम है, तब भी उसके टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो हम कह देते हैं कि पेशेंट को एनीमिक हाइपोक्सिया है। राइट मेरे बेटा, हाइपोक्सिया के चार टाइप्स आपको बता रहा हूं। चारों टाइप्स अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। कौन कौन से बोले? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, इश्मिक हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या है? इट इज कॉज्ड बाय लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड। मान लीजिए बेटा जी, ये आपके एल्वियोलाए हैं और यहां पे सामने जा रही है एक ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजन ने आना है इस एल्वियोलाए से। यदि एल्वियोलाए में ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया है तो ऑब्वियसली ब्लड तक भी कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। राइट जी, देखते हैं। इट इज कॉज्ड बाय लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ। कारण क्या क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया, ऊंचाई पे चलते जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाएगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लूइड इन द लंग्स, लंग्स में फ्लूइड भर जाना। मान लीजिए पेशेंट को न्यूमोनिया हो गया है, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया है, तो भी तो उसके लंग्स से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसके ब्लड तक नहीं जा पाएगी। क्लियर है जी? राइट मेरे बेटा ऋचा, हाई ऑल्टीट्यूड पे जब हम चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उतना नहीं बदलता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो हम कहेंगे कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो गया है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है, जी मिचलाने की फीलिंग, वॉमिटिंग सेंसेशन, चक्कर आना, ब्लड विजन, मेमोरी लॉस, और पेशेंट इवन बहुत ज्यादा समय तक ऐसा रहे तो डेथ भी हो सकती है। वेरी गुड, वसीम अहमद कह रहे हैं जी क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह का हाइपोक्सिया, द सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिया शब्द से तो आप समझ गए कि भाई ये आरबीसी से रिलेटेड है। तो मान लीजिए कोई पेशेंट एनीमिक है, हम कहेंगे हीमोग्लोबिन कम है। मान लीजिए हीमोग्लोबिन जो है उसका 9 आया है या 8 है हीमोग्लोबिन, तो एनीमिया वाली कंडीशन है, आरबीसी कम है। एनीमिया की कई वजह हो सकती हैं, वो हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन व्हेन विल कवर दैट चैप्टर, उसमें हम डिस्कस करेंगे एनीमिया की क्या क्या वजह हो सकती है। सिद्धार्थ साहब क्लियर है, मोहिनी, अभिषेक, वासु, श्रेया, राल, सिमरन, वर्षांक, वर्षांक आपका नाम बड़ा पसंद आता है मुझे, मैंने चैट पे भी आपको ये बात बोली थी, ग्रेट जी। श्रेष साहब कह रहे हैं क्लियर है, सांस रोक दे, नहीं ज्यादा देर तक सांस नहीं रोकनी, आप अपनी सांस खुद स्वयं उतनी देर तक नहीं रोक सकते कि आप स्वयं मर जाएं उससे, नहीं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना तेजी से बिल्डअप होने लगेगा, ब्रेन के मेडुला से स्ट्रांग इंपल्सिस आएंगी और आपको सांस लेना ही पड़ेगा। तो खुद कोई इंसान अपनी सांस खुद रोक के नहीं मर सकता है। राइट जी, राइट, 395 हो चुके हैं, चलिए 300 कराइए पार, आज आपने 500 का वादा किया था। ओके, चलिए एनीमिक हाइपोक्सिया समझते हैं।
Very little functioning hemoglobin is present in the blood, which reduces the oxygen transport. So, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? Hemorrhage हो गया, बहुत ज्यादा blood loss हो गया किसी कारण से, right जी? Failure of hemoglobin to carry its normal complement. Hemoglobin के level पे कोई समस्या है कि अब वो sufficient amount में oxygen carry नहीं कर पा रहा है, या फिर carbon monoxide poisoning. थोड़ी देर पहले ही हमने discuss करा. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाने पर भी तो फ्री हीमोग्लोबिन नहीं बचा ना ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, तो भी तो हाइपोक्सिया वाली अवस्था ही आ गई. क्लियर है जी बेटा जी? राइट, चलिए आगे बढ़ रहा हूं. इश्मिक हाइपोक्सिया. इश्मिक हाइपोक्सिया का मतलब है द ब्लड फ्लो टू अ टिश्यू इज रिड्यूस, सो टू लिटिल ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू इट. मान लीजिए एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक ठाक है, ऑल्वियोलाई से ब्लड में भी ठीक ठाक पहुंची, लेकिन वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रही. तो हो सकता है जो ब्लड वेसल टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जा रही है उसमें ही कोई समस्या हो. ब्लड वेसल की वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन हो, फैट्स का डिपोजिशन हो रखा है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा है ना आपने, कि मान लीजिए जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उस कोरोनरी आर्टरी में, मान लीजिए ये वेसल बना रहा हूं मैं, ये एक ब्लड वेसल मैंने बनाई और मैं आपको ये बता रहा हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है, एल्वियोलाई पर भी ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, एल्वियोलर PO2 इज नॉर्मल, और एल्वियोलाई से ठीक ठाक अमाउंट में ऑक्सीजन भी ब्लड तक पहुंची है, लेकिन टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रही. सो यहां पे हम टिश्यू दिखा देते हैं. मान लीजिए ये ब्लू कलर से मैंने टिश्यू के सेल्स दिखाए. ऑक्सीजन इन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि ये ब्लड वेसल जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन दे रही है, इस ब्लड वेसल की वॉल में किसी किस्म की रुकावट हो रखी है. मान लीजिए यहां पे ये फैटी टिश्यू प्रेजेंट है तो हम यही कहेंगे कि ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसके थ्रू ब्लड अब उतनी फ्लो के साथ नहीं निकल पा रहा है. आप देख पा रहे एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हम पढ़ेंगे. सो वो हो जाता है इश्मिक हाइपोक्सिया. मैं लेबल कर देता हूं ये मैंने क्या दिखाया है. यहां पे एथेरोमेटस प्लाक बन गया है, ये कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस की वजह से बन सकता है, शरीर में किसी भी ब्लड वेसल में बन सकता है. समझ आई बात? सो इश्मिक हाइपोक्सिया हुआ कि जब गड़बड़ जो है वो ब्लड वेसल के लेवल पे है, ब्लड वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है कि ब्लड तक जो है टिश्यू तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही. राइट जी? बिल्कुल. आगे बढ़े. ओके जी, सो वी हैव नियरली 319 लाइक्स, ज्यादा से ज्यादा 500 कराने हैं आपको. ओके जी, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हिस्टोटॉक्सिक, हिस्टोलॉजी रेफर्स टू टिश्यूज, इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, एल्वियोलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज भी हो गई है, ब्लड वेसल में भी कोई समस्या नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल भी नॉर्मल है, फिर भी टिश्यूज ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो क्या वजह हो सकती है? हो सकता है टिश्यू के लेवल पे कोई टॉक्सिन, कोई केमिकल सब्सटेंस हो, साइनाइड पॉइजनिंग जैसे. साइनाइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देता है. हां जी बिल्कुल श्रेयांश, आपने सही कहा, इससे हार्ट अटैक हो सकता है. चलिए बताइए, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो है करिश्मा, ये साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है. साइनाइड इनहिबिट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, बताइए कौन सा. साइनाइड इनहिबिट अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, कौन सा है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम. दिव्या आपने ठीक कहा है, टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं. मुझे उस एंजाइम का नाम बताइए अभिषेक जी, जल्दी से. नैतिक, करिश्मा, निकिता, डॉक्टर नेमे, उत्कर्ष, वर्षांक, सचिन जॉन, राजेश, गोविंद, जल्दी से. साइनाइड कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर. वेरी गुड, उज्जवल रॉय ने सबसे पहले बता दिया है. उज्जवल रॉय, हैट्स ऑफ टू यू. राइट जी, चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है. साइनाइड इनहिबिट्स माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. तो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाने से कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जाती है, टिश्यूज ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर पाते. सो द ब्लड डिलीवर्स एडिक्वेट ऑक्सीजन बट द टिश्यूज आर अनएबल टू यूटिलाइज इट. दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन. टिश्यूज आर अनएबल टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन. क्लियर है बेटा जी? राइट, एक्शन ऑफ सम टॉक्सिक एजेंट्स, जैसे यहां पे साइनाइड पॉइजनिंग का उदाहरण लिया गया है. राइट, चारों तरह का हाइपोक्सिया क्लियर है आपको. हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया,
एनीमिक हाइपोक्सिया, इश्मिक हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. राइट मेरे राजा बेटा, क्लियर है आपको? तो जल्दी से आपकी तरफ से थम्स अप साइन आ जाना चाहिए. लिख दीजिए कि सर क्रिस्टल क्लियर है हाइपोक्सिया टर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो मैं आगे बढ़ूंगा. बहुत जरूरी है कि आपको, मेरे ऑडियंस को, ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए. कलश सिंह कह रहे हैं एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच जी. जितने भी ऑडियंस इस समय साथ में जुड़े हुए हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं. हां जी जल्दी से बोलिए. डॉली क्लियर है, उज्जवल, खुशी, मिनाती, सुरभि, वर्षांक, शिव प्रताप, निकिता, हर्षिता, निमय. हां जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे. इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. हां जी जलती हुई सिगरेट दिख रही है आपको, देख पा रहे हैं यहां पे? नाउ इसमें कोई स्वैग नहीं है. स्मोकिंग करना कोई स्वैग वाली बात नहीं है. राइट स्मोकिंग के कितने भयंकर नुकसान हो सकते हैं आपके शरीर के लिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. स्मोकिंग सिर्फ आपके लंग्स को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही, इनफैक्ट आपके शरीर के सभी सिस्टम्स को, वेदर इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, वेदर इट इज योर पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन, और वेदर इट इज योर हार्मोनल लेवल, एंडोक्राइन सिस्टम, और वेदर इट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज तक पे भी इफेक्ट पड़ता है हर चीज का. हर बॉडी सिस्टम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको स्मोक से प्रभावित होता है. क्लियर है जी? सो आप सब ये प्रण करेंगे कि सिगरेट से बिल्कुल दूर रहना है. ये कोई स्वैग नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है दैट विद अ सिगरेट इन माय हैंड यू आर फीलिंग लाइक अ मैन. नो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है जी? देखिए तंबाकू के क्या क्या नुकसान है. तंबाकू जो जब जलाया जाता है, टोबैको जब बर्न होता है, तंबाकू के जलने से कई हार्मफुल गैसेस बन रही हैं, कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं. सिर्फ निकोटीन ही नहीं है जो नुकसान पहुंचा रहा है, इनफैक्ट निकोटीन उतना नुकसानदायक नहीं है जितना बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्चन है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभी अभी हमने पढ़ा, इसके अलावा इरिटेंट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इवन डीएनए में म्यूटेशन तक कर देते हैं. सो देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं. निकोटीन, निकोटीन कंस्ट्रिक्ट्स द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है. जब उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली एयर का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, सांस लेने में परेशानी होगी. डिक्रीजेस द एयर फ्लो. कार्बन मोनोऑक्साइड binds to hemoglobin, reducing the oxygen carrying capacity. जो irritant particles हैं वो ज्यादा mucus secretion करा देंगे. कोई चीज आपके respiratory tract को यदि irritate कर रही है, respiratory tract irritate होगा तो ज्यादा mucus बनाएगा. वो mucus स्वाभाविक सी बात है block कर देगा respiratory tract के अलग अलग structures को, अलग अलग bronchioles को. क्लियर है जी? ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. बिल्कुल श्रेयांश आपने सही कहा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो ठीक से बन नहीं पाएंगे. साकिब साहब कोई बात नहीं, अगर आप लेट भी हैं बिल्कुल फोकस कीजिए लेक्चर पे. इस समय 360 पीपल, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपको घर घर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए. कहीं ना कहीं घर में, आस पड़ोस में कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं जो स्मोकिंग से एडिक्टेड होते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये लेक्चर वायरल कीजिए अभी के अभी और ज्यादा लोगों तक, ताकि वो नुकसान जान पाए कि स्मोकिंग के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पे. हर सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा भी होता है, राइट, दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. आप जब सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने जाते हैं वहां भी कितनी भयानक स्लाइड्स आपको दिखाई जाती हैं, स्मोकिंग के कारण कैंसर है, ना कि सिर्फ गले का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का. आई होप यू ऑल विल एग्री टू मी ऑन दिस पॉइंट. राइट जी चलिए देखते हैं. Irritants in the smoke also inhibit the movement of cilia. Very important point. Respiratory tract के cilia का movement भी inhibit होता है. Cilia destroy भी हो जाते हैं, which are lining the respiratory tract. इसके अलावा एक बहुत ही important disorder, ये भी हमने discuss करना है, NCERT में mentioned है, emphysema. Smokers में common है emphysema. Emphysema में क्या हो जाता है? Alveoli को जो सेपरेट करती हुई वॉल है, द वॉल सेपरेटिंग द एल्वियोलाई ब्रेक्स,
टोटल सरफेस एरिया जो गैस एक्सचेंज के लिए मिलना चाहिए वो कम हो जाता है. सो एम्फीसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्मोकर्स में बहुत ही कॉमन है. सो स्मोकिंग का ये एक बहुत ही भयंकर नुकसान है और ये इररिपेयरेबल डैमेज है. यदि आपके लंग्स में एल्वियोलाई में वो नुकसान पहुंच चुका है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो चुका है, तो उसे रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है जी, क्लियर है? तो आप सब यंगस्टर्स सब प्रॉमिस करेंगे मुझसे ये कि सर हम सिगरेट स्मोकिंग नहीं करेंगे. सिर्फ सिगरेट स्मोक करना ही नुकसानदायक नहीं है, अगर आप किसी स्मोकर की कंपनी में भी हैं, कोई आसपास है आपके जो स्मोक करता है, तो जो धुआं आपके लंग्स में जा रहा है वो भी नुकसानदायक है. पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं, द स्मोक जो कि सिगरेट के बर्निंग एंड से निकल रहा है, जो इंसान खुद स्मोक कर रहा है वो तो फिल्टर लगा होता है दूसरी तरफ, आप जानते हैं सिगरेट में फिल्टर होता है ना, फिल्टर के थ्रू धुआं अंदर जा रहा है, जो जलते हुए हिस्से की तरफ से स्मोक निकल रहा है और वो अगर आपके में जा रहा है वो और ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है. सो पैसिव स्मोकिंग में यू आर स्मोकिंग दैट स्मोक व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द बर्नड एंड ऑफ द सिगरेट एज वेल एज जो उस स्मोकर ने सांस एक्सहेल करके बाहर निकाला, जो उसके फेफड़ों से बाहर आया है वो भी आपके लंग्स में जा रहा है. सो पैसिव स्मोकिंग भी नुकसानदायक है. किशन पांडे जी, क्लियर है बात? राइट, ना स्मोक करेंगे ना स्मोक करने देंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने देंगे, बस ये नारा होना चाहिए आपका. चलिए इधर देखिए बेटा, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी बोल देते हैं इसे, COPD. आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल लंग्स, ये ब्रोंकाइटिस के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में आप यहां देखिए ये वाली चीज दिखाया गया है कि ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है. और ये रहा एम्फीसीमा, आप खुद ही देखिए यहां पे सरफेस एरिया देखिए एल्वियोलाई का और यहां पे सरफेस एरिया देखिए, क्योंकि द वॉल विच इज सेपरेटिंग द एल्वियोलाई वो टूट चुकी है, तो टोटल सरफेस एरिया एम्फीसीमा में कम हो जाता है. इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एंड रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो. एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन जब हो रहा है सो हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. दो मुख्य प्रकार की जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हैं, दैट इज एम्फीसीमा इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ध्यान रखेंगे दोनों ही ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं लंग्स में. राइट जी, किशन पांडे ने कहा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, बिल्कुल सही कहा. स्निग्धा ये मत कहिए ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, दैट इज रॉन्ग. नेगेटिव बात कभी नहीं करनी है. एक सिंगल सेंटेंस भी जो आप नेगेटिव निकालते हैं ना अपने मुंह से, वो आपके कार्मिक अकाउंट में कहीं ना कहीं लिखा गया, तो उसका भुगतान आपको स्वयं करना पड़ेगा. सो काइंडली डू नॉट डू दिस. अगर अच्छा नहीं कह सकते हैं किसी को तो बुरा भी मत कहिए. राइट, ये सारी चीजें बाउंस बैक करती हैं खुद हमारे ऊपर ही. चलिए ओके जी, शिव प्रताप जी देखिए इधर आ जाइए आगे. नाउ यहां पे मैंने इस स्लाइड में आपके लिए दिखाया है कि ये नॉर्मल एयर सैक्स है, ये नॉर्मल एल्वियोलाय है, और जो आप इस तरफ देख पा रहे हैं इधर में देखिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसमें लंग्स का ओवरऑल जो सर्फेस एरिया है एल्वियोलाय का वो कम हो चुका है. एल्वियोलाय जब ज्यादा ज्यादा होंगे सो सर्फेस एरिया ज्यादा है, जब एल्वियोलाय के बीच की वॉल टूट गई तो सरफेस एरिया कम हो गया. इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर. एम्फीसीमा पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. एम्फीसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड. एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज्ड एंड इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज द सिगरेट स्मोकिंग. स्मोकिंग के कारण मुख्य रूप से होने वाली यह बीमारी है एम्फीसीमा. क्लियर है मेरे राजा बेटा? राइट जी, लगभग 400 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड दैट इज रियली गुड. राइट, स्निग्धा कह रही है व्हाई इट इज एडवाइज दैट गर्ल्स शुड नॉट स्मोक. इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. स्निग्धा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, स्मोकिंग दोनों के लिए नुकसानदायक है. फीमेल्स के लिए और ज्यादा क्यों हो जाता है? फेलोपियन ट्यूब के सीलिया डिस्ट्रॉय होते हैं जिससे कि फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं. और अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल स्मोक कर रही है तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू कई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस बच्चे तक पहुंच सकते हैं. सो प्रेगनेंसी के टाइम भी स्मोकिंग जो है वो अवॉइड करनी होती है. राइट जी,
क्लियर है कैंसर कैसे होता है सचिन जॉन? आने वाली क्लासेस में हमने कैंसर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है. किसी भी टिश्यू को जब कॉन्स्टेंटली इरिटेट किया जाता है, डॉली थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, किसी टिश्यू को आप कॉन्स्टेंटली इरिटेट करते हैं तो उसके कैंसरस होने की संभावना बढ़ जाती है. कुछ वायरसेस भी होते हैं जो कैंसर करते हैं. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV फीमेल्स में सर्विक्स का, यूट्रस का जो लोअर नैरो रीजन है, उसका कैंसर करता है. सो स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर होता है, ओरल कैविटी का कैंसर, क्योंकि आपकी ओरल कैविटी कॉन्स्टेंटली इरिटेट हो रही है तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है. किशन ने सही कहा, टेराटोजेंस, राइट जी. प्लीज जो पढ़ाया जा रहा है वो फोकस कीजिए. आप में से कुछ लोग इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो लेक्चर से रिलेटेड नहीं है. आई रिक्वेस्ट यू कि यदि एक घंटा आप यहां बैठे हैं तो प्रोडक्टिव वे में उसे यूटिलाइज कर लो ना. इररिलेवेंट चीजें पूछने में मत कीजिए, वो आपका समय बर्बाद हो रहा है. ओके जी, सॉरी, पिछली स्लाइड रह गई थी. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये NCERT में मेंशनड है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा अलग से नहीं बताया. ब्रोंकाइटिस पता होना चाहिए आपको. सो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन. देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद एन इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, द गॉबलेट सेल्स, राइट. ब्रोंकाइटिस में क्या है, आइटस वर्ड मींस इन्फ्लेमेशन. सो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण ज्यादा अमाउंट में म्यूकस बनने लगता है. और यदि ज्यादा अमाउंट में म्यूकस बना तो वो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देगा. सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस, मैंने अभी बोला ना ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस ज्यादा बना. प्रोडक्टिव कफ, स्पूटम इज रेज्ड, बलगम जिसे हम समझते कहते हैं ना, स्पूटम वो बढ़ जाएगी, खांसी के साथ बलगम आने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, वीजिंग है, साइनोसिस है. साइनोसिस होता है टिश्यूज तक जो है सफिशियंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन नहीं पड़ी तो हम कहते हैं ना कि चेहरा नीला पड़ गया या हाथ पैर नीले पड़ गए, साइनोटिक हो जाते हैं टिश्यू, साइनोसिस हो जाता है, राइट जी. क्लियर है. गॉबलेट सेल खुशी शरीर में कई जगह पे होते हैं, म्यूकस सिक्रीट करने वाले हैं. सिद्धार्थ कह रहे हैं जी क्रिस्टल क्लियर है, दैट्स वेरी गुड. ओके, एस्थमा, नेक्स्ट इज एस्थमा. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर. एस्थमा जिसे हम हिंदी में दमा भी कह देते हैं, आपने सुना होगा कि दमा जो है उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है. एक कहावत भी है कि दमा दम के साथ ही जाता है, लेकिन कई मेडिसिन ऐसी हैं, इवन कई लोग देसी दवाइयां भी लेते हैं कि जिससे एस्थमा में कुछ राहत मिलती है. एस्थमा जरूरी नहीं है बूढ़े लोगों में हो, बच्चों में भी एस्थमा हो सकता है, किसी भी उम्र में एस्थमा हो सकता है, जन्म से भी एस्थमा हो सकता है. सो एस्थमा के पेशेंट के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ब्रीदिंग, सांस बाहर निकालना हो जाता है. जो नेबुलाइजर्स लिए जाते हैं आपने सुना होगा, उसमें ब्रोंकियो डायलेटर्स हैं जो ब्रोंकियोल्स को डायलेट फैला करके रखेंगे. सो एस्थमा में देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में भी हमने आपको बना करके दिखाया है, आगे भी एक स्लाइड होगी जिसे आप गौर से देखिएगा. ये लीजिए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एस्थमा के केस में जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं. स्मूथ मसल का स्पैजम, स्पैजम का मतलब है ऐंठन, अकड़न, हम कहते हैं ना मसल्स अकड़ गए, ऐंठन हो गई उसमें, दैट इज स्पैजम. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो स्मूथ मसल्स हैं उनका स्पैजम हो जाता है इन द वॉल ऑफ कहां पे, स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, इंपॉर्टेंट है. इडीमा, इडीमा मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी. इडीमा ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द एयरवेज, इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, डैमेज टू द एपिथीलियम ऑफ द एयरवे. सो एस्थमा पेशेंट में ये सब चीजें हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे आप. एस्थमा जो है, हाँ बिल्कुल ऋचा आपने सही कहा, एस्थमा जो है, डॉक्टर ऋषि आप भी ठीक कह रहे हैं, एस्थमा जो है वो ये सिम्टम्स उसमें है और NCERT में भी मैंशनड है. एस्थमा किसी चीज से ट्रिगर भी हो सकता है, कई एजेंट्स ऐसे हैं जो एस्थमा अटैक ट्रिगर कर देते हैं. आपने सुना होगा एस्थमा अटैक्स आर मोर कॉमन ड्यूरिंग नाइट, एड्रिनलिन का लेवल नाइट समय में जो डाउन चला जाता है. हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी साइक्लिकल पैटर्न शो करते हैं, रिदम शो करते हैं, दिन में एड्रिनलिन लेवल ज्यादा है, रात में कम हो जाता है. सो एस्थमा अटैक्स आर मोर कॉमन ड्यूरिंग नाइट. कई लोगों को पॉलन ग्रेन से इसका अटैक शुरू हो सकता है. सो लिखा है एलर्जन सच एज पॉलन, हाउस डस्ट, माइट्स, मोल्ड्स, या कोई पर्टिकुलर तरह का खाना भी हो सकता है, कोई फूड कंपोनेंट भी एलर्जन की तरह काम कर सकता है. इमोशनली अपसेट होने पर भी
इसका अटैक हो सकता है. सल्फाइटिंग एजेंट्स वो हैं जो कि प्रेजर्वेटिव्स की तरह वाइन बियर में यूज किए जाते हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज होते हैं. ब्रीदिंग कोल्ड एयर, ज्यादा ठंडी हवा में सांस लेने से या फिर सिगरेट स्मोक के धुएं से भी एस्थमा अटैक, एस्थमा पेशेंट में वो चीज ट्रिगर कर देती है, उसे अटैक जो है वो ट्रिगर हो जाता है. क्लियर है जी? कामेश जी, इज इट क्लियर? वैशाली, नैतिक, राइट जी. सिरकेडियन रिदम बोला आकाश ने, बिल्कुल सही. आई एम हैप्पी, आपने बड़ी टेक्निकल टर्म बोली. सिरकेडियन रिदम, एनी बायोलॉजिकल रिदम विच शोज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 प्लस माइनस 4 आवर्स इज कॉल्ड सिरकेडियन रिदम. थैंक यू सो मच प्रियल, राइट जी, नाइस. चलिए आगे. हाँ बिल्कुल, इमोशनली अपसेट होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेक्स्ट है हमारे पास निमोनिया. निमोनिया का क्या कारण हो सकता है, निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं? इसमें क्या है, देर इज एक्यूट इन्फेक्शन और यू कैन से इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई. देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेड WBCs, पस सेल्स, फ्लूइड इन द एल्वियोलाई. बैक्टीरिया आपके सामने लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया भी कहते थे. टॉक्सिन्स जो सिक्रीट कर रहा है ये पैथोजन, वो एल्वियोलाई को और डैमेज कर देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं. निमोनिया छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़े लोगों में भी हो सकता है. निमोनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो हैं, जैसे एड्स, एचआईवी के केस में निमोनिया बड़ा कॉमन हो जाता है. जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इवन कई कैंसर पेशेंट्स में भी निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है. क्या आप जानते हैं, कई बार हम ये भी कहते हैं डबल निमोनिया. डबल निमोनिया सुना है आपने, क्या मतलब होता है उसका जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल निमोनिया, कैन एनीवन टेल मी? बिल्कुल मोनिका ठाकुर, आपने सही कहा, छोटे बच्चों में भी निमोनिया हो सकता है. अनुराग श्रीवास्तव जी, हाँ जी बताइए. चलिए, आपने कहा सर आपको मेरा नाम नहीं अच्छा लगता. क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अनुराग तो इतना ब्यूटीफुल नेम है, आई थिंक शिव भगवान का ही नाम है अनुराग तो. बिल्कुल बेटा डॉली, न्यूबॉर्न बेबीज में भी निमोनिया हो सकता है. अति उत्तम एक्सप्लेनेशन लगा आपको कलश साहब, थैंक यू सो मच. हाँ जी बताइए, डबल निमोनिया क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल निमोनिया, कैन एनीवन टेल? नैतिक कह रहे हैं नहीं, हमने नहीं सुना. कार्तिक साहब आपको भी नहीं पता. कलश कह रहे हैं नो आइडिया. अनुपमा, हिराल, सिमरन, उज्जवल, हाँ जी किसी को नहीं पता. सुनिए, व्हेन बोथ द लंग्स गेट इफेक्टेड, अगर दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाए तो कहते हैं डबल निमोनिया. सो इन डबल निमोनिया बोथ द लंग्स आर इफेक्टेड, राइट मेरे राजा बेटा? याद रहेगा अब श्रेयांश, रजिया, राइट जी, ऋषभ साहब, क्लियर है? डबल निमोनिया में बोथ द लंग्स आर इफेक्टेड. 398 लाइक्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और बढ़ाइए. आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आगे का सिलेबस कब होगा, क्या होगा. मुझे हैरानी ये हो रही है कि जो आप पढ़ने के लिए बैठे हैं उस पर तो ध्यान नहीं है आपका, और इररेलीवेंट चीजें बीच में पूछे जा रहे हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले कंप्लीट खत्म होगा, उसके बाद आगे के चैप्टर्स शुरू होंगे, राइट जी. क्लास 11th के टॉपिक्स हम आपके साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को करते हैं. क्लास 12th के टॉपिक्स आपके साथ फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होते हैं. सिंपल है, इसमें बात क्या है. आप एक घंटा निकाल के स्पेशली यहां पे आते हैं बार बार इररेलीवेंट चीजें भेजने के लिए, दैट इज रियली स्ट्रेंज. चलिए लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. निमोनिया का जिक्र कर रहे थे हम, अगली स्लाइड देखते हैं. दोज हु आर मोस्ट ससेप्टिबल टू निमोनिया आर, किन लोगों में निमोनिया ज्यादा होने की संभावना है. एल्डरली, मैंने बताया बूढ़े लोगों में, उम्र बढ़ने के साथ इम्यूनिटी कम होती है, आप एग्री करेंगे इस चीज से. इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स. एड्स, एचआईवी वायरस क्या करता है, एचआईवी आपके हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम करता है. एचआईवी हेल्पर टी सेल्स का नंबर जब कम कर देता है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. इम्यूनिटी कम होने से कई तरह के इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. सो निमोनिया की संभावना भी बढ़ जाएगी. एंड ऑफकोर्स बेटा जी, सिगरेट स्मोकर्स, उनमें भी इसकी संभावना ज्यादा रहती है, राइट. निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं? देयर इज फीवर एंड चिल्स, ठंड लगेगी बहुत ज्यादा और बुखार भी चढ़ जाएगा. प्रोडक्टिव और ड्राई कफ, प्रोडक्टिव से मतलब है कि बलगम जो है उस वो आ रही है खांसी के साथ, या फिर उसमें ब्लड भी आ सकता है. हेमोप्टाइसिस लिखा है ना, स्पिटिंग ब्लड, थूक जब फेंकेगा पेशेंट तो उसमें खून हो सकता है. चेस्ट पेन एंड डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, छाती में दर्द हो और सांस लेने में परेशानी हो, ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, राइट बेटा जी? ठीक है जी, क्लियर. बाबू तुलसी आगे बढ़े. ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ग्रेट व्हाइट प्लेग भी कहा जाता है इसे. ट्यूबरक्यूलोसिस करता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस.
Once the bacteria are inside the lungs, they multiply and cause the inflammation. 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है ताकि सब लोगों को जानकारी दी जा सके टीबी के बारे में. टीबी का बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स को ही इफेक्ट नहीं करता, ये शरीर के कई अंगों को इफेक्ट कर सकता है. फीमेल्स में यूट्रस का टीबी, फेलोपियन ट्यूब्स का टीबी हो सकता है, ब्रेन टीबी हो सकता है, इंटेस्टाइन का टीबी, आईज का टीबी, ज्वाइंट्स का टीबी, स्पाइनल कॉर्ड का टीबी. जो फेवरेट साइट है बैक्टीरिया की, द फेवरेट साइट इज लंग्स. सो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है पल्मोनरी टीबी वो ज्यादा कॉमन है और पल्मोनरी टीबी इंफेक्शियस भी है. टीबी वाला पेशेंट खांस रहा है, थूक रहा है, आप उसका जूठा खा रहे हैं, सो आपको भी टीबी होने की संभावना है. बीसीजी वैक्सीन पड़ा है ना आपने, बेसिलस काल्मेट ग्यूरीन, राइट जी. सो टीबी जो है वो लंग्स का यानी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकता है. टीबी कंप्लीटली क्योरेबल है. टीबी की दवाइयां काफी लंबे समय तक चलती हैं. पेशेंट को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या कई केसेस में 1.5 साल तक भी दवाइयां खानी पड़ सकती हैं. दवाइयां बीच में नहीं छोड़नी होती. अगर टीबी की दवाइयां खाते समय बीच में किसी कारण से दवाइयां मेडिसिंस डिस्कंटिन्यू कर देता है तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं. कई सरकारी अस्पतालों के बाहर आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, लिखा होता है टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि डॉट्स वर्ड से क्या मतलब है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए. चलिए जल्दी से देखते हैं. हाँ जी, आपने वादा किया है 500 से ज्यादा लाइक्स हमने पहचाने हैं. प्रिया, आपने सही कहा, बैसिलस काल्मेट ग्यूरीन वैक्सीन है. टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं. सुयश, आपने MDRTB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ठीक लिखा, लेकिन राजा बेटा डॉट्स नहीं बताया. धर्मेंद्र साहब, मिनाती बताइए, बिल्कुल बाबू तुलसी, टीबी कंप्लीटली क्योरेबल है. हुक्का पीना भी डेंजरस है. हुक्का जब आप पी रहे हैं सो एक ही हुक्का का पाइप बहुत लोग शेयर करते हैं जिसके कारण सलाइवा भी एक्सचेंज हो रहा है, हेपेटाइटिस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. यूट्रस टीबी में प्रेगनेंसी इफेक्ट होती है, हिराल बिल्कुल होती है. मैंने फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स पूछा है, देखते हैं कौन बेटा जल्दी से बताता है. एलाइजा टेस्ट कहां से आ गया जी, कनीज इसमें एलाइजा नहीं है. सुनिए, हाँ जी, इट वॉज अ फेलियर ऑफ WHO फॉर विच रेजिस्टेंट टीबी डेवलप, नंदिता ने कहा. डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा है मैंने. नंदिता आपकी बात ठीक है बिल्कुल. डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, राधा रमन मोहंती, ग्रेट, आपका नाम भी बहुत अच्छा लगा मुझे. बिल्कुल आपने ठीक कहा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहते हैं इसे. इट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइंड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन की गई एक स्ट्रैटेजी टू फाइट विद ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट जी. बिल्कुल सही कहा कीर्ति गुप्ता ने भी, सचिन जॉन ने भी. गूगल से तो नहीं ढूंढा है फटाफट, कहीं डॉट वर्ड गूगल में डाला और साथ के साथ कॉपी पेस्ट मारा. चलिए तब भी कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी आप लोगों ने एफर्ट करा और आपको एक नई चीज भी पता चली उसमें. 433 लाइक्स हैं, 500 पहुंचाने हैं आपको, राइट जी. आज आपको इतनी जानकारी दी है, आधा डॉक्टर बना दिया मैंने. ट्यूबरक्यूलोसिस के सिम्टम्स, फटीग, थकावट रहेगी पेशेंट में, वेट लॉस हो जाता है, लिथार्जी, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार बना रहना, 99.something 100 फीवर बना रहेगा, रात के समय बहुत ज्यादा पसीना आना, खांसी होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और हो सकता है खांसी के साथ थूक के साथ ब्लड भी आ जाए. इनमें से जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हों, कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते. 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो जाती है सो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. आपको टेस्ट भी करा लेना चाहिए, मोंटुक्स टेस्ट जो है हमें करा लेना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि कहीं ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं है. अंत में हमारे पास है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या मतलब है बेटा जी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो हैं कि जो इंसान जिस भी जगह पे काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में है, ईंट के भट्टों में है, कोयले की खदानों में है, ब्लास्ट फर्नेस वर्कर्स हैं, या जिस भी प्रोफेशन से इंसान रिलेटेड है, वहां से उठने वाला धूल, धुआं, हार्मफुल गैसेस जो लगातार लंग्स में इकट्ठे होते रहते हैं और एक लंबे समय बाद वो लंग्स को इररिपेयरेबल डैमेज कर देते हैं. सो इन सर्टन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और द स्टोन ब्रेकिंग, सो मच ऑफ डस्ट इज प्रोड्यूस्ड कि आपके शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता है. सो कोयले की खदानों में जो काम करने वाले हैं, एंथ्राकोसिस हो सकता है उन्हें, एस्बेस्टस फैक्ट्रीज का आपने सुना होगा, एस्बेस्टस की शीट होती है ना, सीमेंट की चद्दरें जिसे हम कहते हैं, एस्बेस्टस शीट से एस्बेस्टोसिस हो जाता है,
सिलिका से सिलिकोसिस हो जाता है, कॉटन डस्ट जो रुई उड़ती है, रुई इकट्ठी होती रहेगी लंग से, उससे बायसिनोसिस हो जाता है, राइट जी. सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन, जिससे कि लंग्स में फाइब्रस टिश्यू बन जाता है और वो एक इररिपेरेबल डैमेज होता है जो कि ठीक नहीं किया जा सकता, राइट जी. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की ये पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए लिख दी, ये आपको पता होनी चाहिए. एस्बेस्टोसिस जो है ये एस्बेस्टस के कारण, सीमेंट की चद्दरें जिसे कहते हैं, सिलिकोसिस उन वर्कर्स में होगा जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे सिलिका का डस्ट है. साइडरोसिस जो है वो आयरन के डस्ट के कारण, एंथ्राकोसिस कोयले की खदानों में जो लोग काम करते हैं, और बायसिनोसिस जो है रुई मैंने कहा कॉटन डस्ट के कारण हो सकता है. क्लियर है जी. सो हमने बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आज पढ़े, आपने अपना वादा भी निभाना है. 450 के करीब लाइक्स हो चुके हैं और आपने प्रॉमिस किया है कि सर क्लास खत्म होने से पहले पहले हम इसे 500 करेंगे. दैट्स रियली नाइस ऑफ यू. ठीक है जी. हां, स्निग्धा टीनएजर्स में भी निमोनिया हो सकता है. बीमारियां उम्र देख करके नहीं आती हैं, प्रोबेबिलिटी जरूर हो जाती है छोटी उम्र में ज्यादा हो जाना, छोटे बच्चों में या बूढ़े लोगों में. ठीक है जी. सो 361 से ज्यादा लोग वॉच कर रहे हैं हमें इस समय. दैट्स रियली नाइस. आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. आपने कीमती समय निकाला अपना और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए जिसका नाम है Unacademy, जो कि अनबीटेबल है. 11th एंड 12th ग्रेड का टाइम टेबल आप फेमिलर हो चुके हैं. 4 से लेकर के 7 बजे का टाइम आपने हमारे नाम लिखा है और हमने आपके नाम लिखा है. जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें. चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं. फिर मिलेंगे दोबारा नए चैप्टर्स के साथ, नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ. कहीं मत जाइएगा, 5 मिनट में वापस लौट के आ जाइए. जल्दी से फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होने वाला है, राइट जी. चलिए, सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार भरा, और वीडियो को वायरल करते रहिए, वीडियो के लाइक्स बढ़ाते रहिए. अपनी गुरु दक्षिणा में किसी किस्म की कमी मत रखिएगा. नमस्कार जी, बाय बाय, लव यू ऑल.